नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा ये यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं, देखिए ये मक्खन है और इस मक्खन से घी बनाने वाले हैं। आपको बता दें ये हमारी गाय का मक्खन है और इस मक्खन से अब मेरी मम्मी है वो घी बनाएगी। ये करीबन 6-7 दिनों का मक्खन है इतना, और इससे 1 से 1.5 किलो के आसपास घी बन जाएगा। तो अब इसे गरम करने के लिए एक पतीले में डाल दिया है और चूल्हे पर गरम कर दिया। देखिए पीछे की साइड बाजरे की रोटी भी बनी हुई है और घी गरम हो जाएगा, उसके बाद बाजरे की रोटी और घी और गुड़ मैं खाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मक्खन से जो गाय का मक्खन होता है उससे घी कैसे बनता है। अब इसके ऊपर रख दिया है, अब कुछ ही मिनटों के अंदर ये घी गर्म होना शुरू हो जाएगा और पिघल जाए, सॉरी घी नहीं, ये मक्खन गर्म होगा और पिघल जाएगा। देखिए पिघल गया है काफ़ी हद तक और पूरा पिघल जाएगा। और इसके बाद एक काफ़ी लंबा प्रोसेस है, काफ़ी कुछ करना पड़ता है। सिर्फ गर्म करने से ही मक्खन को घी नहीं बनता है, बहुत कुछ करना पड़ता है और उसके बाद जाके मक्खन से घी बनता है। अगर सीधा हम गर्म करते हैं तो वो जो घी रहता है वो भी उसमें भी अच्छा नहीं रहता, वो उसमें थोड़ा अलग सा रहता है। अब इसमें जो छाछ है वो भी मिक्स है थोड़ी बहुत, मक्खन के साथ जो छाछ आती है वो भी आपको दिख रही होगी, ऊपर वाइट वाइट है। और चूल्हे पर गर्म की कर रहे हैं तो चूल्हे पर क्या रहता है कि बहुत अच्छा रहता है, देसी तरीके से अगर घी बनाते हैं तो काफ़ी सारे पोषक तत्व है जो हमें इसी में मिल जाते हैं। और अगर हम गैस पे करते हैं तो गैस हमारे लिए क्या है कि घी में एक हानिकारक रहती है, और गैस जो है वो इस मक्खन में और मिल जाती है, फिर घी में भी उसका वैसा थोड़ा स्मेल टाइप का कुछ रहता है, तो सबसे अच्छा रहता है। देखिए इसके चूल्हे पे मेरी मम्मी जो है मक्खन गरम करके घी बना रही है, और इसमें गाय का जो गोबर होता है वो और लकड़ियां है वो जला रही है। ज़्यादा यहाँ पर देखिए गाय का गोबर है और इससे क्या है कि घी है उसमें काफ़ी अच्छे गुणवत्त्व रहते हैं, पोषक तत्व रहते हैं, वो हमारे शरीर के लिए अच्छे रहते हैं और वो बने रहते हैं। अब ये जो है घी बन रहा है, आप अगर वीडियो पूरा देख रहे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपके घर पे भी कभी ऐसा मक्खन से घी बना है क्या। तो चलिए देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं, मैं आपके सारे कमेंट देखूंगा और कमेंट को लाइक भी करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। और अभी जो मक्खन है वो पूरी तरह से गर्म होना शुरू हो चुका है, थोड़ी ही देर बाद ये मक्खन से घी बनना शुरू हो जाएगा और काफ़ी लंबा प्रोसेसर है, तो आप देखते रहिए। एक छोटे से वीडियो में मैं काफ़ी बड़ा प्रोसेसर दिखाने वाला हूँ कि मक्खन से घी कैसे बनता है। और ये हमारा गाय का मक्खन है, देसी दही से हमने अलग किया है, पहले दूध को जमा दिया और उसके बाद जमने के बाद दही और दही के बाद मक्खन, और मक्खन अब बन के तैयार होके मक्खन से घी बनेगा। देखिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, जब तक के लिए देखते रहिए सारा प्रोसेसर।
I'm so cold. Yeah, my heart's sinking like a storm. Like a storm.